बेटियां हमारी आन है, हमारे घर गांव और देश की शान है। देखिए ना, ये नदी कितनी बेपरवाह इन हरे भरे खेतों से कल कल करती निकल रही है। ऐसे ही हमारे आंगन में छम छम करती फिरती हैं बेटियां। इस पगडंडी के दूसरे छोर पर है बोरखेड़ा गांव। यहां रहती है जमुना अपनी 12 माह की बेटी भक्ति के साथ। आजकल भक्ति का स्वास्थ्य कुछ नरम गरम है। जीजी देखो ना, हमारी लड़की की तबीयत इतनी खराब हो गई। तो अपन चलेंगे ना बाबा के पास। ले चलेंगे। कहाँ लेके चलेंगे? बाबा पास। बाबा का घर कितना दूर होगा? अब कितना दूर होगा तो चले जाएंगे अपन को। चले जाएंगे तो चलो फिर, आप लेके चलेंगे तो हम चले जाएंगे। चल मैं लेके चलती। राम राम जीजी। राम राम। कहाँ जा रहे हो? बाबा के पास जा रहे। बाबा के पास क्यों जा रहे हो? अरे ये बच्चा बहुत कमजोर हो गया ना, इसको दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। कमजोर हो गया तो बाबा के पास लेकर जा रहे हैं। हाँ। अभी इसको अपन ऐसा करते हैं, इसको आंगनवाड़ी लेकर चलते हैं। हाँ। और आंगनवाड़ी में अपन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मैडम से मिल करके ने बच्चे का वजन लेंगे, नाप लेंगे। है ना? नहीं, बाबा के पास लेके जाना पड़ेगा ना एक बार। तो नहीं, अभी बाबा के पास मत लेकर जाओ, अभी एक बार तो लेकर चलो आंगनवाड़ी में। पहले अपन इसका वजन नाप ले लेते हैं और फिर उसके बाद में अगर नहीं ठीक हो इसको बाबा के पास। इस प्रकार जमुना और उसकी बहन बच्ची को लेकर आंगनवाड़ी गई। नमस्ते जी। नमस्ते जी। हम आए भी कैसे हो? ठीक हूँ। ये गांव आपके गांव के है? ये बाहर जा रहे थे बाबा के पास लेकर जा रहे थे इस बच्चे को, तो मैंने कहा कि आप तो पहले आंगनवाड़ी के चलो, वहाँ पर आपके बच्चे का नाप लेंगे, वजन लेंगे मैडम जी। चलो उनका नाप ले लेते हैं, वजन भी कर लेते। कुपोषण की स्थिति को जानने के लिए प्रतिमाह बच्चे का वजन लेना और उसे वृद्धि चार्ट में अंकित किया जाना जरूरी है। आइए देखें जमुना की बच्ची किस स्थिति में है। हमने देखा जमुना की 12 माह की बच्ची का वजन 6.5 किलो है, जबकि उम्र के मान से 12 माह का प्रत्येक बच्चा 8 किलो वजन का हो सकता है। तो तुम्हारी लड़की है ना मध्यम कुपोषण में। देखो सबसे पहले क्या जन्म हुआ था उसका, तो जन्म के समय सामान्य में थी, सामान्य से होते होते वो फिर अति में आ गई है, लाल में आ गई है, वो लाल से अभी ये पीले में आ गई है। तो इसका वजन जन 12 माह की हो गई है, इसका वजन कम से कम 8 किलो होना था, तो इसका कितना है 6 किलो 500 ग्राम ही वजन है। तो ये अभी मध्यम में, तो इसको कम अच्छा करने के लिए खान पीन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा और इसको अच्छा रखना चाहिए, साफ सफाई भी अपने करना और अपन भी अच्छे से नहाना धोना और बच्चों को भी साफ सुथरा रखना और रोज आंगनवाड़ी में भेजना। अपन एनएससी टेप ले लेते फिर तुमको मैं पोषण आहार के बारे में समझा। कुपोषण को पहचानने के लिए बच्चे की बाई भुजा के मध्य भाग को एमयूएससी टेप से नापते हैं। नाप हरे रंग में है तो बच्चे का पौष्टिक स्तर ठीक है। पीले रंग वाला हिस्सा बच्चे के मध्यम कुपोषित होने को बताता है और लाल रंग में आने पर हम ये जान सकते हैं कि बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है। तो तुम आंगनवाड़ी से ये पोषण आहार लेके जाना और बच्चों को, ये 6 दिन का है बच्चों का, 1 दिन का नहीं है। ऐसा नहीं तो एक ही दिन बना लिया और खिला दिया, रोज थोड़ा थोड़ा बच्चों को बना के रोज रोज खिलाना, इसमें पौष्टिक ज्यादा है और ये पोषण आहार बना हुआ है, इसमें कोई करने की जरूरत नहीं। गर्म पानी करो और थोड़ा सा हलवा बना दो और बच्चों को खिला सकते हैं अपन। और हर मंगलवार आंगनवाड़ी में लेके आना इसको और अपने घर में जो भी बने अच्छी सब्जी या दाल चावल जो भी, उसको अपन ऊपरी आहार भी बच्चों को खिला सकते हैं, घर की चीजें भी खिला सकते हैं। और हरी साग सब्जी, अभी दूध पीती है तो इसको बार बार दूध पिलाना। तुम्हारी लड़की अभी 1 साल की हुई है ना, इसको कम से कम दिन में 3 कटोरी खाना खिलाना चाहिए। हाँ, और बच्चों पे ध्यान देना और उसको साफ सफाई पे भी उसकी ध्यान देना। चाहो दीदी आपने जानकारी दे दी, अब हम हमारे बच्चे के अच्छी तरह से ध्यान रखें।
हाँ ध्यान देना, लापरवाही करिए ना तो बच्चा डबल से तुम्हारे कुपोषण में हो जाएगा। बच्चों पे ध्यान देना और हर मंगलवार लेके जाना पैकेट, और आप महीने में जो भी जन्म बच्चों का हुआ वो वजन करवाने भी आना हमारे पास। अपनावना वाला मुख्य बिंदु नाना, बालक की बाई भुजा को मध्य भाग एमयूएसी टेप से नापना पर पीला रंग वाला हिस्सा में दिखाई देते हुए तो असो बालक मध्यम कुपोषित रहे। बालक यदि मध्यम कुपोषित हो तो वह हर रोज आंगनवाड़ी केंद्र भेजना चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्र में सप्ताह में एक बार 6 माह से 3 साल तक का बालक न मध्यम कुपोषित बालक घर ले जाने वालों पोषण आहार को पैकेट दिएज। बालक इनो पोषण आहार थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज खवाड़नु चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्र में 5 साल से छोटा बालक नख तैयार पोषण आहार दिएज। महीना में एक बार आंगनवाड़ी केंद्र में सभी बालकन को वजन करीने वृद्धि निगरानी चार्ट में लिखज। बालक में उम्र का मानसी स्थिति जानना का लेन यो वजन करज।